देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आई एम मोहिनी अक्षय सिंह और मैं यहां अपने बेटे शुभम की लीगल कस्टडी लेने आई हूं और मुझे उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो मेरा पाउच यहीं कहीं गिर गया था। आपको किसी को कहीं मिला है क्या? वो पोटली जो मिली थी देना। ये देखिए, ये है क्या? हाँ यही है, धन्यवाद। ये माँ वैष्णो देवी का लॉकेट है, ये हर बला हर बुरी नजर से हमारे शुभम को बचा के रखेगा। ठीक है बेटा? हाँ अच्छा। अब कोई लॉकेट कोई टीका नहीं रोक सकता शुभम को मुझे अपने साथ ले जाने से। तुम लोग कुछ भी कर लो, आज दिशा की शादी भी टूटेगी और शुभम भी मेरे साथ जाएगा। आंटी जी रुकिए जरा, मुझे आपसे शुभम के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। मोहिनी, तुम्हारा झगड़ा हमारे साथ है तो तुम्हें जो कहना है हमसे कहो, शुभम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो बात करनी है हमसे करो, हम एक साथ बैठकर बात कर लेंगे, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन प्लीज शुभम को और चीजों को इससे दूर रखो। बोलो ना क्या कहना है तुम्हें। जी वकील साहब, एक मिनट बोलो। मैं जानता हूं तुम क्या करने जा रही हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। शुभम की सच्चाई मत बताओ सुनीता जी को। मैं उसके बदले में तुम्हें एक डील देता हूँ ना, मैं तुम्हें वापस अपने घर में अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। छवी बेटा, अरे अक्षय और बेटी कहाँ है? मेहमान तो सब आ गए और मेहमानों का सम्मान करना चाहिए, कहाँ गए? कहाँ? दादी आप गेस्ट की टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम उन्हें संभाल लेंगे। माँ और पापा अरेंजमेंट से बिजी होंगे। प्लीज प्लीज वो पेपर्स मत दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज। क्या हुआ, क्या है इस फाइल में? अब ये फाइल आपके लिए नहीं है बल्कि छोटू के लिए। इसके अंदर इसकी फेवरेट चॉकलेट्स हैं।
ये रही, ये वाली तुम्हारी फेवरेट है ना? आंटी जी, शुभम आपकी बहुत बातें करता है, कहता है मेरी दादी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है मेरे लिए, कभी ये लाती है कभी वो लाती है। आप सच में इससे बहुत प्यार करती है ना? सच में ये दादी पोते की जोड़ी कमाल की है। चलिए इसी बात पे एक सेल्फी ले लेते हैं, इस मोमेंट की याद रहेगी मेरे पास जी। आई आओ सेल्फी लेंगे मामी के साथ। आई आई जैन सर। कबीर, एक इमरजेंसी है, कुछ लोगों की भीड़ ने जबरन फाइनेंस मिनिस्टर के घर में घुसने की कोशिश की है, वहाँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत है, इमीडिएटली मिनिस्टर साहब के यहाँ मूव करना होगा। अभी सर यहाँ की सिक्योरिटी का क्या होगा? मैं हाफ एन आवर में दूसरी टीम को वहाँ भेजता हूँ, पर मिनिस्टर वाला मामला थोड़ा सेंसिटिव है तो वो तुम्हें ही संभालना होगा। ऑल राइट सर। जय हिंद। मिस्टर सिंह, मुझे अभी अपनी टीम के साथ यहाँ से निकलना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, कमिश्नर साहब दूसरी टीम भेज रहे हैं। मेरा फोन ऑन है, कुछ भी हो जस्ट गिव मी अ कॉल। श्योर, नो वरीज, लेट्स गो। बहना, ये तुम क्या कर रही हो? हम यहां क्या करने आए थे और तुम क्या कर रही हो? तुमसे ज्यादा सेल्फिश औरत मैंने कभी नहीं देखी। इसके बाद मैं तुम्हें कभी हेल्प नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं, बाय। अभी जो तुमने मुझे कहा, अगर वो सच है तो चलो चलो अंदर चल के सबके सामने अनाउंस करो कि तुम मुझे अपने साथ इस घर में रखने वाले हो। क्या करने जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? इसे आप घर में वापस कैसे रख सकते हैं? क्या सोच रहे हैं आप? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इसकी बात बाद में सुनना जान, पहले अंदर चल के वो करो जो तुमने कहा, वरना मैं वो करूंगी जो मैं यहां करने आई हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं चलता हूं अंदर और सबके सामने वो बोलता हूं जो मैंने तुमसे कहा है, लेकिन उससे पहले मुझे अपराजिता से बात करनी है। बात करनी जरूरी है, मैं अंदर जाके कोई ड्रामा नहीं चाहता हूं, प्लीज। कमाल का जमाना है ना, आजकल के लड़के लड़कियों का प्यार भी इंस्टेंट कॉफी की तरह हो गया है, पल में उबल जाता है, पल में ठंडा हो जाता है। अभी नियाई को देख लो, कोई कह सकता है कि कल तक ही अर्जुन के प्यार में पागल थी और आज देख लो उसी की हल्दी में मगन होके नाच रही है। आप जितना मतलबी इंसान नहीं देखा हमने आज तक। जिस औरत को हाथ पकड़ के घर के बाहर निकाला था उसे फिर से घर में लेकर आया कैसे? ऐसे अपराजिता, कुछ जोड़ियां हमेशा साथ रहने के लिए बनी होती हैं। अब क्या करें, कुछ लोगों के नसीब में खुशियां लिखी नहीं होती। ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हारी लॉन्ड्री बिकी नहीं। अब यहां से बाहर निकाले जाने पे कम से कम एक छत तो रहेगी तुम्हारे सर पर। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, इतना सब करने के बावजूद भी हमको घर से निकालने की धमकी दे रही है। मैं सिर्फ तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी, अक्षय की जिंदगी से भी निकालूंगी, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम दिखती रह जाओगी। एक मिनट मैम, आपने प्लान क्यों चेंज किया? ये क्या कर रही हो आप? वकील साहब, आपकी दो शादियां हुई है जी। जी
नहीं ना, तो फिर आपको कैसे पता कि दो बीवियों में से दूसरी बीवी को क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? दुनिया की सारी प्रॉपर्टी एक तरफ और सौतन को सताने का मजा एक तरफ। नहीं, प्लीज इसे मत। तुम क्या सताओगी हमको और तुम क्या हमको घर से बाहर निकालोगी? तुम जैसे क्रिमिनल की जगह घर में नहीं, जेल में, और हम तुमको वहां भिजवाएंगे। तरस आता है मुझे तुम्हारी अकल पर। तुम्हारी आंखों के सामने अक्षय मेरे साथ, मेरा पति मेरे साथ है, और तुम मुझे जेल भिजवाने के ख्वाब देख रही हो। कम ऑन अपराजिता, बचो। मोहिनी बाहर आ गई है फिर से एक नया तमाशा करने। कुक्कू और अप्पू उसको बाहर रोकने में लगे हुए, बहुत डर लग रहा है। आई होप आज अश्मित अंकल को कोई तमाशा देखने ना मिले। मैंने उनको हजार बार कहा था कि मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिनको स्पाइसी खाना नहीं जमता। इतना समझाने के बाद भी इस दिस द काइंड ऑफ अरेंजमेंट, आई एम सीरियसली डिसअपॉइंटेड। आई एम सो सॉरी, मैं बुलवाती हूं। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। इन्होंने ना गलत पकौड़े उठा लिए थे। हमने इनके लिए ना स्पेशली वो बिना मिर्ची वाले पकौड़े भिजवाए थे, पर इन्होंने गलत वाले उठा लिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं वापस भिजवाती हूँ बिना मिर्ची वाले। यू ओके? फाइन। आई एम सो सॉरी। एक्सक्यूज मी, इधर आओ बेटा। मिस्टर अक्षय और अपराजिता जी कहाँ हैं बेटा? देखो, हम लड़के वाले हैं, आज के दिन हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता। आई एम सो सॉरी अंकल, वो लोग ना यहीं कहीं आसपास ही हैं। मैं उन्हें अभी ढूंढ के लाती हूँ। क्या हुआ? I'm really sorry, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। सॉरी। क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप खड़े होकर इसकी बात सुन रहे हैं, इसको शह दे रहे हैं। तुम्हारी शह की वजह से देखो कैसे उड़ रही है ये। इतना सब करने के बाद भी इसे पछतावा नहीं, इसे तो मजे आ रहे हैं। क्या अपराजिता, तुम तो किसी बात से खुश नहीं होती। ये छवि की शादी करवा रही थी उससे तुम्हें प्रॉब्लम थी, अब दिशा की शादी तुड़वा रही हो तब भी तुम खुश नहीं हो। तुम छवि की शादी ऐसे लड़के से करवा रही थी जो तुम्हारी तरह क्रिमिनल था, लेकिन दिशा की शादी वो टूटेगी। मैंने अर्जुन के ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई ताकि तुम्हारी बेटी का प्यार छीन के तुम्हें तड़पा सकूं, पर तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया और तुमने सोचा कि तुम जीत गई, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी अपराजिता। दिशा और अर्जुन की शादी किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। हर बार तुम मेरे आड़े आते गई, फिर वो आशा की किडनैपिंग हो या फिर जीजी से शुभम को छीनकर दुबई लेके जाना, तुम हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बनती रही। ये मत बोलो मोहिनी, जो दूसरों का बुरा चाहता है ना उसका भी बुरा होता है। भूल गई तुम, जब तुमने हमारी लॉन्ड्री में आग लगाई थी तो तुम्हारी निया भी उसमें जली थी। वो उसकी बेवकूफी थी, ना वो आती ना वो सब होता, खत्म हो जाती तुम्हारी लॉन्ड्री और तुम भी। तुम किसी के नहीं हो सकते मोहिनी, किसी के नहीं। तुमने जानबूझकर अम्मा को गलत इंजेक्शन दिया था। हाँ, मैंने अम्मा की जान लेने की कोशिश की थी क्योंकि वो मेरी सौतन का साथ दे रही थी और मेरे अक्षय को मुझसे छीन रही थी, पर नहीं, तुम तब भी मेरे रास्ते में आ खड़ी थी। नहीं, उसे क्या देख रही हो? उसे सब कुछ पता है, पर भूलने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पर मोहिनी कुछ नहीं भूलती। मैं अपनी हर हार का बदला तुमसे लेकर रहूंगी और उसकी पहली शुरुआत होगी तुम्हारे इस घर से निकलने से। याद रखो अपराजिता, तुम और तुम्हारी बेटियों को मोहिनी बर्बाद कर देगी। I promise you that. What the hell is this, Arjun? अब तो हद हो गई।
बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है मुझे। मिस्टर सिंह है कहाँ? नो, आई रियली वॉन्ट टू नो, कहाँ है अक्षय? अंकल तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। डोंट वरी निया, आंटी है ना, सब संभाल लेंगे। आई नो, आंटी होती तो सब कुछ संभाल लेती, पर उन्हें आने में ज्यादा टाइम लग गया। तो आई थिंक हमें अंकल से एक बार बात करनी चाहिए, वी शुड काम हिम डाउन ना। तुम क्या हमको बर्बाद करोगे मोहिनी? हमें बर्बाद करने के सपने तुम बहुत पहले से देख रही हो। ना तो तुम तब बर्बाद कर पाई थी, ना अब कर पाओगी। और ना तुम तब मुझे रोक पाई थी, और ना अब रोक पाओगी। फिलहाल तो तुम अपने आप को जेल जाने से रोक लो, क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा है ना, ये तुम्हें सीधा जेल लेकर जाएगा। वो तो कोई नहीं रोक पाएगा, हम भी नहीं। मैंने अर्जुन की ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई ताकि तुम्हारी बेटी का प्यार छीन के तुम्हें तड़पा सकूं। कहते हैं सोचकर बोलना ना इंसान की ताकत होती है, और बोलकर सोचना इंसान की कमजोरी। और यही तुम करती हो, हमेशा बोलकर सोचते हो, ये तुम्हारी कमजोरी है। और हमने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हारे सारे गुनाह इसमें रिकॉर्ड कर लिए। वकील साहब देख रहे ना, आप भी है इसमें। सॉरी मोहिनी मैम, लेकिन दुनिया का कोई भी वकील आपकी मदद नहीं कर सकता। आप वो क्लाइंट हो जो किसी दिन वकील को जेल में भिजवाओगी। मैं अभी आपके साथ काम नहीं कर सकता। आई एम गोइंग। वकील साहब, कमाल कर दिया तुमने प्रजिता। मतलब मैंने मोहिनी को अपने साथ अपने घर में रखने का ऑफर दिया, और वही ऑफर उसे ले डूबा। कैसे किया तुमने ये? सोचा भी नहीं था मैंने। लालच मोहिनी की कमजोरी है, और हमने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। I'm sorry, मोहिनी। तुम्हारी जगह मेरे साथ या मेरे घर में नहीं है, जेल में है, और तुम वहीं जाओगी। किसी भी कबीर कहीं गए हुए हैं, उनकी जगह पे कोई और आ नहीं रहे, आ गए। आज पुलिस थोड़ा चेंज वक्त से पहले आ गई। आइए ले चलो इसे। याद रखना मोहिनी, तुमने अभी अपना जुर्म सिर्फ इस वीडियो में कबूल किया है, लेकिन अगर आज के बाद कभी भी तुमने शुभम की सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश की ना, तो मैं खुद सीधा कोर्ट चला जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। और ये जो गुनाह तुमने गिनवाए ना, उन सब की एवज में मैं तुम्हें फांसी दिलवाऊंगा। हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा, गलती मत करना। ये ध्यान रखना, अब जेल में बैठ करना, खुद को सुधारने की कोशिश करना, और साथ में ये सोचना कि ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। और हो सके जब भी टाइम मिले तो निया की खुशियों के लिए ना दुआ मांगना। वैसे हम निया का ख्याल रख लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ले जाइए सब, वेट क्या कर रहे हैं आप? चाहिए चलो। अब तक मैं तुम्हारी वजह से चुप था, बट एनफ इज एनफ अर्जुन। मुझे नहीं मालूम था कि यहां आके मेरी इतनी बेइज्जती होगी। नहीं डैड, ऐसा। लिसन टू मी, अभी के अभी मैं तुम्हारी ये सो कॉल्ड पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। डैड प्लीज, डैड। कमाल कर दिया तुमने अपराजिता। शुभम की सच्चाई भी बाहर नहीं आई और मोहिनी भी अरेस्ट हो गई। फिर से तुम जीत गई आज। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, हम सबकी जीत है, हम दोनों की जीत है। और भोलेनाथ हमेशा हमारा साथ देते हैं। हार की चौखट से ना
एकदम से हमको जीत के घर में भेज देते हैं। अच्छा घर के अंदर चलें? चल चल। अरे अश्विन। मिस्टर सिंह अपराजिता जी, आपको पता भी अंदर क्या चल रहा है? मैं यहाँ रुकने नहीं वाला हूँ। I'm just leaving right now। अरे क्या क्या कर रहे हैं आप? मेरी इतनी बेइज्जती से पहले कभी नहीं हुई। I'm really sorry। कुछ बहुत ही जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा था हमें, वरना हम कभी नहीं जाते। You know that, right? सॉरी अश्विन जी, हम सच में बहुत जरूरी काम से बाहर गए थे, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि हम यहीं रहेंगे, अंदर सबका ख्याल रखेंगे। आप प्लीज प्लीज अंदर चलिए। देखिए अश्विन जी, अरे समझी है ना, समझी जी, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। समझी अगर ऐसे बुरा मान जाते, आइए ना प्लीज आइए। ठीक है, इफ यू इंसिस्ट, लेकिन प्लीज अब आप लोगों को वादा करना पड़ेगा, अब आप यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए प्लीज, आइए प्लीज, चलिए। अरे एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। आओ आओ आओ, सारे आओ, आओ। एक्सक्यूज मी, एक फैमिली पिक्चर। तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट है मोहिनी। मेरा असली गेम तो शादी में होगा। You all just wait and watch।